नमस्कार दोस्तों, स्लोगन राइटिंग फॉन्ट का ये इंग्लिश वर्सन है। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी में एक वाक्य लिखा था, जल ही जीवन है, स्लोगन है। तो यहाँ मैं इंग्लिश के कुछ शब्द लिखकर दिखाऊंगा, जैसे कि सेव पॉकेट मनी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखकर अपना फॉन्ट विकसित कर सकते हैं। तो इसमें सेम फॉन्ट है जो हिंदी में मैंने लिखा है, वैसा ही इसको भी तिरछा लिखना है और छोर को गोल कर देना है। और बाकी कहीं मोटा कहीं पतला, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप छोर को मोटा करते जाएं या बराबर रखें, बराबर रखने का प्रयास करने से फॉन्ट थोड़ा सा दिक्कत होता है, गड़बड़ाता है। इसलिए फॉन्ट का मोटाई को बराबर रखने का प्रयास ना करें, छोर को थोड़ा सा मोटा करते जाएं। ये मैं एस लिख रहा हूं, देख रहे सांप की तरह। एक चीज का ध्यान देना है, जितने भी अक्षर या शब्द होंगे वो एक और झुके हुए होंगे और उनका झुकाव बराबर होना चाहिए। बाकी अक्षर की मोटाई और जो होते हैं वो तो समान नहीं होंगे, कहीं मोटा कहीं पतला करके करना है। ये एस मैंने लगभग लिख लिया है, आप अपना हिसाब से इसको कस्टमाइज करके लिख सकते हैं। मुझे को मेरे ही फॉन्ट को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जैसा सुविधा लगे वो करना है। लेकिन फॉन्ट एक और झुके हुए होने चाहिए। आप देखिए, ये ए मैं लिख रहा हूँ तो इसको थोड़ा ज़्यादा झुका कर, इस और की डंडी, ए का जो इस और की डंडी है उसको थोड़ा ज़्यादा ही झुकाना है ताकि वो इटैलिक फॉन्ट में ए को लिखा जा सके। अगर इस तरह से आप उसको ज़्यादा नहीं इस और खींच कर लाएंगे तो वो झुका हुआ नज़र नहीं आएगा, सीधा खड़ा नज़र आएगा। अब ये वाला जो डंडी है इस साइड का, इसको सीधा रखिए, थोड़ा सा झुका सकते हैं दाहिनी ओर इस तरह से। देखिए ये एस के बराबर झुक गए ये। तो इस चीज़ को ध्यान देना है इस फॉन्ट, यानी इस फॉन्ट में नहीं, ये जैसा कि आप इस तरह से झुका कर अगर लिखना चाहते हैं कोई भी फॉन्ट हो, तो अगर इंग्लिश में ए लिखना पड़े तो इस तरह से आप इस वाले डंडी को ज़्यादा झुका दें और इधर वाले डंडी को सीधा रखें। उसको एस को ध्यान में रखते हुए इस दाहिनी ओर वाला डंडी को करना है कि कितना झुकाना है। जितना आप इसको इस निचला भाग को दाहिनी ओर ले कर जाएंगे, सीधा करेंगे तो उतना वो सीधा होता जाएगा। उसके बाद भी लिखेंगे तो भी के लिए देखिए, जस्ट ए का उल्टा करना है हमें, इस डंडी को सीधा रखना है। उसके बाद इस डंडी को जितना हो सके संभव, यानी कि एक बराबर झुकाव होने के लिए उतना उसको झुकाना है। इस तरह से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी आप अक्षर को देखिए, ऊपर मैंने मोटा किया, नीचे पतला करते हुए चला गया हूँ, तो इस तरह से करना है। तो इसमें ये झुकाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला फॉन्ट आप लिखेंगे, ये फॉन्ट नहीं, कोई भी फॉन्ट लिखें, अगर आप इस तरह इटालिक फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, एक और झुके हुए होने चाहिए, तो इस तरह से एक और झुका कर आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे ई, तो ये इस तरह से आप इसको इस और मोटा कर दें और जो जॉइंट भाग है उसको पतला कर दें। आप अपना हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। इसका सबसे मूल जो लुक है, उसका जो झुकाव है वो बराबर होना चाहिए, और गैप तो खैर वो जानते ही हैं कि गैप कैसे रखना है।
अगर गैप के बारे में कोई दिक्कत है तो आप मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं। और साइन राइटिंग से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स के लिए जितने भी उपाय होने चाहिए उसके संबंधित वीडियो मेरे चैनल में है, आप उसको ढूंढ कर मेरे चैनल में आप जाकर उसको देख सकते हैं। जैसे कि शेडिंग वीडियो, फिर गैप कैसे रखना है, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, जिस तरह का भी आप टिप्स और ट्रिक्स चाहते हैं, यहाँ तक कि आप बोर्ड का साइज से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर पा जाएंगे। तो लगभग जितना भी टिप्स और ट्रिक्स होता है साइन राइटिंग के लिए सब से संबंधित वीडियो मैंने बना लिया है। अब मैं फॉन्ट पर ध्यान दे रहा हूँ, अलग अलग फॉन्ट लिखकर, और इस दौरान अगर कुछ ऐसा बात मुझे सूझता है कि नहीं ये ट्रिक्स या टिप्स छूट गया है, तो उससे संबंधित भी वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा। पिछले कुछ वीडियोज की तरह इस बार भी मैं इस वीडियो का स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है इस तरह से स्लो लिखने से आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि प्रत्येक वीडियो को इसी तरह स्लो ही बनाऊँ। स्पीड बढ़ाने से आप लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए ये ओ लिख रहा हूँ, इस तरह से ये झुकाव, झुकाव पर विशेष ध्यान देना है, और ओ की गोलाई, ये देखिए मैंने डबल स्ट्रोक लगा लिया है। अब इसको इस हिसाब से कितना बड़ा ओ बनाना है उस हिसाब से पहले उसका आउटसाइड का लाइनिंग कर लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ए में ए लिखने में आएगा, क्योंकि ए को झुकाना एक और थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए मैंने ए को थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना चाहिए। उसके बाद ये ओ है, ओ को भी कैसे झुकाना है ये आप देख रहे हैं, और यही सब वजह है कि मैं अपने वीडियो का स्पीड आजकल नहीं बढ़ा रहा हूँ, स्लो में ही लिख रहा हूँ हर चीज़, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सीखने का मौका मिले। उसके बाद सी, तो सी को भी उतना ही झुकाना है ओ की तरह, ओ का जो दाहिना वाला भाग है उस तरह से उसके बराबर ही इसको करना है। इसमें मैं लिखने वाला हूँ सेव पॉकेट मनी। ये शब्द इसलिए मैंने चुना है कि इसमें थोड़ा कुछ लेटर ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि मुझे इसका अल्फाबेट लिख कर ना दिखाना पड़े। अगर आप लोगों को लगता है कि अल्फ़ाबेट भी लिख कर दिखाना चाहिए तो मैं लिख कर दिखाऊँगा, हिंदी वर्णमाला का जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो भी, और इसके आपका अल्फाबेट इंग्लिश के। अब हम लिखेंगे के, तो के लिखने के लिए जैसा कि आप लिखते हैं नॉर्मल में वैसा ही दाहिनी और बराबर झुकाव देकर इसको लिखना है इस तरह से। तो ये वाला खड़ी लकीर के लिए तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके जो सपोर्टिंग लकीरें हैं केक, उसको आप थोड़ा सा कैसा करेंगे उसको मुझे लगता है कि बताना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये वाला जगह को आप मोटा करेंगे और यहाँ आकर ये पतला हो जाना चाहिए, जहाँ मिल रहा है ये खड़ी लकीर से यहाँ लेकर आइए, ये पतला हो जाना चाहिए इस तरह से। अब ये वाला पोर्शन को आप ज़्यादा दाहिनी ओर मत ले जाइए, इसको थोड़ा नीचे की ओर लेके आइए और
इस तरह से झुकाव नज़र आना चाहिए और यहाँ पतला होना चाहिए और इधर जब खींचेंगे तो ये पोर्शन एकदम मोटा हो जाना चाहिए। ये करना है केक में। उसके बाद लिखेंगे ई। तो ई तो आप देख ही चुके हैं कैसे लिखना है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का निवेदन है कि न्यू टाइम्स रोमन का कुछ अक्षर नहीं ABCD लिख कर दिखाऊं। तो ये एक बहुत ही कठिन फॉन्ट है क्योंकि इसमें आप गलतियां कुछ छिपा नहीं सकते हैं। और ये जो फॉन्ट मैं लिख रहा हूं इसमें अगर कुछ भी दाएं बाएं अगर होता है तो ये फॉन्ट उस गलती को छिपा लेता है। यही खासियत है इस फॉन्ट का। और न्यू टाइम्स रोमन जो फॉन्ट है उसका उसमें गलतियां आप छिपा नहीं सकते हैं, वो नज़र आने लगता है। तो उसका मैं ABCD लिखना अगर शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि 2-3 वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसलिए मैं ABCD लिख कर नहीं दिखाऊंगा। कुछ फॉन्ट कुछ अक्षर इस तरह से कुछ शब्द लिख कर दिखाऊंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसे लिखना है। और जहाँ तक संभव हो कि हो सकता है 2 बरस यूज करना पड़े तो मुझे देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए मुझे। वीडियो में बनाऊंगा उससे भी संबंधित, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टिप्स और ट्रिक्स से संबंधित सारे वीडियो मैं लगभग बना चुका हूं, अब फॉन्ट पर मेरा फोकस है। और इस दौरान अगर मुझे लगता है कि कोई टिप्स या ट्रिक्स छूट गया है तो उससे संबंधित भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अभी मेरा सारा ध्यान फॉन्ट पर है, फॉन्ट के डिज़ाइन पर है। तो देखते रहिए मेरा वीडियोज, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए टी को मैंने किस तरह नीचे की ओर मोटा करते गया है, तो इस तरह से करना है इसको। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मनी। तो देखिए एम को भी एक और झुकाना, थोड़ा सा एक ही तरह ही दिक्कत है, तो इसलिए एक ही तरह जितना मैंने अक्षर को इसका बाईं वाले खड़ी लकीर को खींचा है वैसा ही उसको थोड़ा जितना ज़्यादा हो सका आप झुका दें, खींच कर उसको लंबा करें इस तरह से ए के जैसा, तभी एम एक और झुका हुआ नज़र आएगा, अन्यथा फिर वो सीधा खड़ा नज़र आएगा। अब उसका समानांतर एक रेखा खींच लें या लकीर खींच कहें, इस तरह से यह उसका समानांतर एक लकीर हो गया। अब ए के दाहिने वाला जो लकीर है वैसा ही इसको सीधा या थोड़ा सा दाहिनी ओर झुकाकर खींच लें, और ऊपर वाला छोर को यहाँ पर इसको पतला रखें और नीचे वाले भाग को मोटा कर लें। इस तरह से लगभग ए हो गया ये। अब यहाँ इस दोनों बाएं वाले जो लकीर है उसको आप ऊपर से खींच कर मिला दें इस तरह से, ये एम हो गया। देखिए एम एक और झुका हुआ हो गया लगभग उसी के बराबर जितना कि ए और भी ई आदि झुका हुआ है। तो ये ट्रिक्स है किसी भी अक्षर को एक और झुकाने के लिए, खासकर एम और ए को किस तरह झुकाना चाहिए। बाकी अक्षरों को तो आप अच्छी तरह से झुका ही सकते हैं। उसके बाद ओ, तो ओ मैंने इससे पहले भी लिखा है फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। अक्षरों की मोटाई पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है इसमें, कहीं पतला होता है कहीं मोटा होता है, यही इस फॉन्ट का खासियत है। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है, एक और झुके हुए होने चाहिए और गैप को भी थोड़ा सा मेंटेन करना है। उसके बाद लिखेंगे एन।
एन के लिए मुझे नहीं लगता है कुछ बताने की आवश्यकता है, सिंपल सा है एन। इस तरह से मैं स्लो वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, इस बारे में कृपया कमेंट्स करें। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे वीडियो को थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ाना होगा। यहाँ ई मैंने दो बार लिखा है, इसलिए ई को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, उसके बाद वाई लिखेंगे। तो इस तरह से स्लो वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, तो मैं आइंदा से स्लो वीडियो ही बनाऊंगा, लेकिन वीडियोज मेरे थोड़ा लंबे होंगे इस हिसाब से। तो इस बारे में कृपया कमेंट्स करके मुझे कुछ सुझाव दें कि क्या करना चाहिए। ये हो गया वाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।